रोहतास जिले के बिक्रमगंज में नामांकन के सातवें दिन काराकाट विधानसभा क्षेत्र 213 के लिए बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने किया नामांकन। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से अमित सिंह, भाजपा से राजेश्वर राज, निर्दलीय से डॉक्टर अशोक सिंह सहित जेडीयू मंत्री जय कुमार सिंह ने भी दाखिल किया पर्चा। इस दौरान अनुमंडल कार्यालय के मुख्य द्वार पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। विधानसभा चुनाव के पहले चरण को लेकर मुंगेर जिले के तारापुर में आज राजद प्रत्याशी दिव्य प्रकाश, जेडीयू प्रत्याशी मेवालाल चौधरी, निर्दलीय प्रत्याशी राजेश मिश्रा ने नॉमिनेशन कराया। इस दौरान तारापुर अनुमंडल कार्यालय में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा गया, जहां किसी भी प्रत्याशी के साथ में भीड़ भाड़ नारेबाजी पर सख्त रोक लगाई गई थी। जमुई जिले के झाझा में वर्तमान बीजेपी विधायक डॉक्टर रविन्द्र यादव ने लोजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा से सीट नहीं मिलने के कारण रविन्द्र यादव ने नाराजगी व्यक्त की थी। वहीं इस मौके पर डॉक्टर रविन्द्र यादव ने अपनी उम्मीदवारी लोजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में सुनिश्चित की। लोजपा भी हमारा अलायंस है, एलायंस पार्टी है, एनडीए में है लोजपा, और चिराग पासवान जी हमारे एमपी हैं। मैं अभी भी भारतीय जनता पार्टी का एमएलए हूं, हमारा मेंबरशिप खत्म नहीं हुआ। और हम लोगों ने आज़ादी के बाद पहली बार अपनी खून से सींच कर सारे मेहनत करके जब लालू यादव और नीतीश कुमार एक फ्रंट पर थे, हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए संघर्ष किया और झाझा सीट से भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य हूँ। कैमूर में लोकतांत्रिक जनता दल का बड़ा ऐलान, कहा यादव समुदाय जनता दल को वोट ना करे, रालोसपा के गठबंधन वाले पार्टी को समर्थन दे। लोकतांत्रिक दल के जिला अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राजद यादवों का विरोधी है, इसलिए राजद को कतई वोट ना करे और उपेंद्र कुशवाहा वाली गठबंधन का समर्थन करे। राजद नेता शक्ति मलिक हत्याकांड का पूर्णिया पुलिस ने 72 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में शामिल मास्टरमाइंड समेत 7 अपराधियों को दबोच लिया है। बुधवार शाम एसपी विशाल शर्मा ने इस मामले में खुलासा करते हुए बताया कि दलित नेता शक्ति मलिक हत्याकांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी पूर्णिया पुलिस ने कर ली है। किस प्रकार से पूरी घटना कारित करी वो भी बताया। इसके अलावा जैसा इन्होंने बताया शक्ति मलिक के ऊपर कई पूर्व में भी घटनाएं दर्ज हुई थी, उसमें अपहरण से लेकर के हत्या से लेकर के छेड़खानी के कई मामले शक्ति मलिक के ऊपर दर्ज थे, उसका क्रिमिनल हिस्ट्री भी निकाला गया है। तो लगभग 6 विभिन्न विभिन्न मामलों में उनके ऊपर आपराधिक मामले जो है लगभग 2012 से ही दर्ज हो रहे थे। 2012 से लेकर अब तक जो है कुल 6 विभिन्न मामले की जानकारी मिली है। और आफ्ताब जो है, आफ्ताब 2013 में डकैती के मामले में कस्बा में और मुफस्सिल थाना में ये जेल गए थे, और इनमें से कुछ एक जो अपराधकर्मी हैं सलीम वगैरह, जेल में ही इनकी उन अपराधकर्मियों से मुलाकात हुई थी, उसके बाद ही ये टच में भी थे। कुछ बाकी जो है जैसा मैंने बताया, ये 4-5 अपराधकर्मी इनका जो जहाँ पे घर है वहीं पे लोकल थे, तो उसके बाद जैसा ये तंग तबाह उससे हो गए थे, उसके बाद इन्होंने पूरा षड्यंत्र और प्लानिंग करके इस प्रकार से इस घटना को कारित किया। और ये अब पुलिस का कोऑपरेशन करने के लिए भी सामने आए हैं, और उसके बाद इन्होंने कहा है कि कोर्ट में भी जो बात है वो रखेंगे और पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में पूर्ण सहयोग करेंगे और पूर्ण मदद करेंगे। जैसा कि बताया गया कि इसमें मैंने पूर्व में भी कहा था, जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा उसके ऊपर पुलिस विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में जो कि टोटल एविडेंस निकल के आया है और घटना किस प्रकार से कारित की गई है, प्लानिंग से लेकर के एग्जीक्यूशन के स्टेज तक टोटल एविडेंस में जितने भी नामित लोग थे, सारे 6 लोगों का कहीं कोई भी एविडेंस नहीं आया है, और पूरी घटना में यही 7 लोग शामिल थे। जैसा कि आपको आफ्ताब ने बताया, अभी इसमें और कोई लोग अन्य प्रकार से किसी भी प्रकार से शामिल नहीं थे अभी तक जितना इन्वेस्टिगेशन में आया है, और इन 7 लोगों ने प्लानिंग करके और कैसे कैसे घटना कारित करी उस बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी अभी बताई भी गई। जिन पुलिसकर्मियों का नाम आ रहा है पूछताछ के क्रम में आफ्ताब ने बताया, क्योंकि जैसा कि उनका मोबाइल भी हम लोगों ने देखा था, तो क्योंकि पॉलिटिकली एक्टिव हो गए थे तो काफ़ी थाना स्तर पे कंटिन्यूसली कई रिकॉर्डिंग मिली हैं जिसमें वो कई केसेस में पैरवी वगैरह करते थे, पॉलिटिकली एक्टिव थे वो, तो इसी कारण से उनका इस बार क्योंकि इलेक्शन लड़ने वाले थे तो निश्चित रूप से कई पुलिसकर्मियों से वो टच में थे। और जैसा कि मोबाइल के एनालिसिस में आया तो कई कांड में, कई उसमें मुकदमों में पैरवी वगैरह वो थाने में करते थे। अब ये एक जाँच का विषय है कि उसमें पुलिसकर्मी विभिन्न किसी इंटरेस्ट से क्या उनकी मदद कर रहे थे, जैसा वो सब उन बिंदुओं पे हम लोग जांच करेंगे। क्या किसी प्रलोभन के एवज में किसी पुलिसकर्मी ने उनकी किसी कांड में मदद करी है, तो उन बिंदुओं पे हम लोग डेफिनेटली जांच करेंगे। यदि किसी पुलिसकर्मी की ऐसी संलिप्तता आती है कि किसी ने अन्य किसी प्रलोभन में किसी भी कांड में शक्ति मलिक की मदद की है या कुछ फ़ायदा पहुँचाया है, तो निश्चित रूप से उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।
बुधवार का दिन प्रत्याशियों के लिए महत्वपूर्ण रहा, जहां रामगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी अशोक सिंह, मोहनिया से निरंजन राम, भभुआ से रिंकी रानी पांडे और चैनपुर से बिहार सरकार के खनन मंत्री ब्रजकिशोर बिंद ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं राजद की ओर से रामगढ़ से राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह, मोहनिया से संगीता कुमारी और बीएसपी का दामन छोड़ भभुआ से राजद के टिकट पर भरत बिंद ने नॉमिनेशन किया। देखिए, हमारी सरकार पूरे बिहार में बड़े पैमाने पर विकास की है। विकास के मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे, चाहे विकास के क्षेत्र में शिक्षा हो, सिंचाई हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा, इन तमाम मुद्दों पर सरकार खरी उतरी है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि जनता मुझे आशीर्वाद देगी और पुनः फिर सदन में चुन करके मैं जाऊँगा।